मैं प्रेम की दीवानी उससे बड़ी फ्रॉड मूवी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मूवी की हीरोइन संजना इज ए चुलबुली चंड बिल्लोरी सुंदर नगर की छोरी हुज आइडिया ऑफ लव एंड लाइफ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर नक्सुंडी माँ। जहाँ एक तरफ संजना इस पापा की परी हूं मैं, वहीं दूसरी तरफ उसके माँ के लाइफ में दो ही मकसद है, बेटियों की अमीर घराने में शादी कराना अपनी संजना के तो बहुत कर और लाइफ की हर छोटी प्रॉब्लम को तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस तिलस्मी नुस्खे से सुलझाना। संजना भी रिसेंटली सोफिया कॉलेज से पढ़ाई खत्म करके अपनी अखी लाइफ सोफिया कॉलेज के चरणों में समर्पित करना चाहती है। इसको 150 साल हो चुके हैं कॉलेज से पास आउट हुए, पर बात बात में चिपकू चमगादड़ की तरह कॉलेज के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। आज मिसेस ब्रिगेंजा का धरती पे आखिरी दिन है, इसलिए उसको कॉलेज की खाड़ी से धक्का देके उसके लाश पे चादर और फूल चढ़ाने आइए। थैंक यू सो मच फॉर द फ्लावर्स गर्ल्स। वो मूवी के अंदर वो सोफिया कॉलेज की सोफिया ने भी हाथ जोड़ लिए, वो भी सामने से बोलती बंद करो हाथ जोड़ के, मैं 10 साल हो गए तेरे को पास आउट हुए, या वापस गेट पे दिखी ना तो गले में आयकर पहना के गधे की सैर करवाएंगे। सिंस द मूवी इज बेस्ड इन द 2000s, मूवी के डायरेक्टर कम राइटर सूरज बड़जात्या ने 2000s का यूथ है उनके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हुए करीब 5.5 मिनट बिताने के बाद उसे हू बहू पर्दे पर ऑडियंस के सामने फेंक के मारने की कोशिश की है। निकनेम्स लाइक डम हेड, पुअर जेली बेली, शट अप टूलबॉक्स, आई हैव बीन स्प्रिंकल्ड अराउंड द मूवी लाइक खुजली पाउडर इन समवन्स कच्छा। संजना भी अपने कॉलेज कल्चर प्रोग्राम में 50वीं बार नाचने वाली होती है कि उसकी बड़ी बहन उसकी बहन क्या करने आ जाती है। She's like, Mom, मेरा कलीग इस यूएसए का बहुत बड़ा वाला इंडस्ट्रियलिस्ट and is looking for a धर्म पत्नी। वैसे वो इतना बड़ा वाला लुक्खा है कि पूरा जवानी अमेरिका में निकालने के बावजूद उसको लड़की क्या लड़की के पुतली तक की चुम्मी नसीब नहीं हुई, पर नाउ इज कमिंग टू सुंदर नगर टू बिकम सम लोनियस वर्ल्ड। याद रखना हिज नेम इज प्रेम जो बजाता लड़कियों का गेम। तब इस मूवी में मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट प्रेम की एंट्री होती है। स्पेन के टमाटीना फेस्टिवल में सड़े हुए टमाटरों से दिमाग पे लगातार प्रहार होने के कारण प्रेम अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका है। नाश्ते में पराठा मिलने पे सुंदर नगर की पहाड़ियों से ऐसे चीखे मारने लग जाएगा मानो सुंदर नगर की जलपरी ने इसे कोने में ले जाके खट्टी टॉफी चुसवा दी हो। जहाँ एक तरफ नॉर्मल केसेस में जो इंडियन माए होती है वो अपनी बेटियों को ऐसे गंजड़ी लौंडी लपाड़ों से दूर रहने की सलाह देती है, बट इन केस ऑफ दिस मूवी संजना की माँ ने इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे कि बेटा प्रेम के जिस्म में अपने प्रेम के ऐसी ज्वाला पैदा कर कि प्रेम तेरे प्रेम में पागल हो जाए। बल्कि मूवी के एंड तक तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि संजना अगर प्रेम की पीपड़ी नहीं बजा सकी तो उसकी माँ तो उसकी जरूर बांसुरी बजा देगी। After some intense, passionate love scenes between Sanjana and Prem, जिसमें दोनों एक दूसरे के जिस्म में गर्माइश पैदा करने के लिए पेड़ से एक दूसरे की बॉडी घिस रहे हैं, we come to know that Prem is not actually the real Prem, he is the भैरूपिया Prem. संजना की माँ इज लाइक बेटा तुझे इसकी बांसुरी बजा रही थी ना, वो गलत प्रेम है, सही प्रेम को पकड़ उसकी बांसुरी बजा दे। तो संजना इज लाइक मॉम हम लोग के बीच तो ऑलरेडी चुंबन हो चुका है। She's like, बेटा तुमने उसकी बांसुरी बजाई क्या? So she's like, no. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वाइल प्रेम किशन पूरी मूवी में घोड़े की लेंटी सूंघने के कारण मनवा सांड की तरह लमलेट हो चुका है। Hey, auntie, उससे विपरीत प्रेम कुमार को ऐसा छुई मुई कच्ची के लिए दिखा रखा है, इसको लड़की की तरफ देखना भी होता है तो मुंह पे काला कपड़ा बांध के देखता है। आफ्टर 2000 एडवर्टीजमेंट्स, 200 सॉन्ग्स एंड पिक्चरस लोकेशंस जिनका सुंदर नगर इंडिया से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, पुअर प्रेम और चुलबुली संजना की शादी हो जाती है। एंड जस्ट लाइक एवरी भोसले पप्पू फ्रेंड्स और लड़का इन कॉलेज, प्रेम कुमार का नहीं अमेरिका में बल्कि इंडिया में बहुत बड़ा वाला पप्पू कर जाता है। मूवी के एंड में संजना अपनी माँ से बोलती है इतना तो आप ही प्रेम कुमार से शादी कर लो, तो मॉम इज लाइक मेरे तो पहले से शादी हो चुकी है। तो संजना इज लाइक तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रेम बाबू हमारा छोटा जरूर है लेकिन किसी बड़े से कम नहीं। अरे चाय तो बिगड़ जाइए।